हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरएस फाइल मैनेजर ऐप नॉट वर्किंग की। अगर आपको प्रॉब्लम है, क्या अगर आपका भी आरएस फाइल मैनेजर ऐप नहीं चल रही है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सिंपल और सीधी वीडियो हम यहाँ पर बनाएंगे जिसमें आपको सीधा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगा किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम ठीक करेंगे। ऐप अगर आपका नहीं चल रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है तो क्या करना होगा, आपको कैसे इसको ठीक करना है। तो अगर आपको भी ये दिक्कत है, ये समस्या है अपने आरएक्स फाइल मैनेजर के अंदर, तो इसके लिए आपको जो स्टेप्स बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो में आपको चले जाना होगा। उसके बाद स्टोरेज में आपको जाना होगा और क्लियर डेटा करना होगा। क्लियर डेटा आपको आरएक्स फाइल मैनेजर का करना है। वापस से आप देख सकते हैं, लॉन्ग प्रेस किया, इसके बाद ऐप इन्फो लिखा आ गया, उसके ऊपर क्लिक करके स्टोरेज में गए और क्लियर डेटा हमने कर दिया। ये पहला स्टेप आपका होगा। दूसरा काम आपको क्या करना है, अगर इसको आप खोल लीजिएगा, उसके बाद आपको ये सारी परमिशन इनेबल करनी है। इस तरीके से आ जाएगा ये। तो इसके बाद आपका परमिशन अगर मांग रहा है तो आप डायरेक्ट परमिशन दे दीजिए और यहाँ से आप जो है अपना कोई भी काम कर सकते हैं। अगर ये फिर भी आपके फ़ोन में वर्क ना करे तो दूसरा एप्लीकेशन आपको लेना होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन किसी किसी फ़ोन में नहीं चलता है। प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर सर्च करना होगा और आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर सर्च कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर, ये जो एप्लीकेशन है वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए। ये काफ़ी एप्लीकेशन सही है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।